नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं, लेकिन किसानों ने कहा है कि वे किसी शर्त पर बातचीत नहीं करेंगे। किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाने से भी साफ इनकार कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच कुछ किसानों के इंडिया गेट पर पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गया। जंतर मंतर, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कृषि कानूनों पर किसानों के बढ़ते आक्रोश के बीच सरकार अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक की। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है। पीएम ने कहा कि केंद्र ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप संसद में दिया है, इसमें काफी विचार विमर्श के बाद किसानों को नए अधिकार और नए अवसर दिए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के कल्याण के लिए बने हैं, इससे किसान बंधन वाली व्यवस्था से बाहर आए हैं। साथ ही शाह ने किसानों के आंदोलन को अराजनीतिक बताया है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की काफी क्षमता है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना से हालात बिगड़े तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार होंगे। हरियाणा के किसानों के एकत्रित होने से कोरोना के प्रसार का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की बात सुननी चाहिए, साथ ही नए कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि एक ओर सरकार संविधान दिवस मना रही थी, दूसरी ओर किसान लाठी खा रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को बलपूर्वक दबाना चाहती है। भाजपा हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में व्यस्त है, ऐसे में किसानों से बातचीत के लिए सरकार के पास समय नहीं है। पीएम मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों को लाभकारी बताने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है, तभी वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। पीएम मोदी को तत्काल तीनों कृषि कानूनों को निलंबित करने की घोषणा करनी चाहिए। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी इंडिया राजा तालाब खंड का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और देव दीपावली महोत्सव में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन पर वाराणसी में आज देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी भी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। इस बार देव दीपावली के मौके पर रिकॉर्ड 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी के आवास और काफिले की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन किलर स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, इसे पीएम मोदी के आवास और काफिले पर रखा जाएगा। पीएम मोदी आज कोरोना वैक्सीन बनाने वाली टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, जिसमें जेनोवा, बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी शामिल है। इसमें पहले पीएम ने शनिवार को इन तीन कंपनियों के वैक्सीन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल्स जानी थी। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को जम्मू कश्मीर पर हस्तक्षेप करने पर आड़े हाथों लिया है। भारत ने OIC को हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, भविष्य में दोबारा उसका गलत संदर्भ देने से संगठन को बचना चाहिए। यूपी में 31,270 शिक्षकों की भर्ती के बाद शेष 36,590 पदों को भरने के लिए सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया था। पहली सूची में 31,270 पदों पर सरकार ने पहले ही नियुक्ति पूरी कर ली है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रेटर नोएडा में बने डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर तक नई डेटा नीति लागू कर दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों से डेटा सेंटर बनाने की योजना चल रही थी, अब वो पूरी हो जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 94,31,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें से अभी तक 1,37,139 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में पिछले 24 घंटे में 38,772 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 443 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6,30,64,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें अभी तक 14,65,027 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 4,35,41,631 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान की भाजपा विधायक किरण महेश्वरी का कोरोना से निधन हो गया है। कुछ दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विधायक के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। DRDO ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है। DRDO ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में ICU बेडों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। बता दें कि 5 जुलाई को इस अस्पताल की शुरुआत की गई थी। अब तक 3,271 मरीजों को यहां भर्ती कराया जा चुका है।
ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 30 दिन पहले ही समाप्त हो गया है। विधानसभा का 40 दिवसीय सत्र 31 दिसंबर तक चलने वाला था। विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से निजाम संस्कृति को खत्म कर इसे वैश्विक आईटी केंद्र बनाया जाएगा। हैदराबाद का नाम बदलकर भागनगर रखने वाले सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की नस्लें तबाह हो जाएंगी पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। ओवैसी ने समर्थकों से कहा कि अब चुनाव हैदराबाद और भागनगर के बीच है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सीएम शिवराज के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात शिवराज मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर है। सिंधिया अपने समर्थकों को एक बार फिर मंत्री पद दिलाने की कोशिश करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पुष्प कमल दहल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दहल को सोचना है कि वे मेल मिलाप करें या अपना अलग रास्ता चुनें। ओली का संदेश साफ है, पार्टी के सह अध्यक्ष प्रचंड को उनके सामने झुककर रहना होगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर समेत कई शहरों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। अब भारतीय सैन्य अधिकारी भी मिलिट्री स्टडीज एंड डिफेंस मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले सकेंगे। ये पीजी डिप्लोमा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अफसरों को कराया जाएगा। अभी तक यूटीयू सिर्फ मित्र देशों के कैडेट्स को ही डिप्लोमा देता रहा है। भारतीय नौसेना का 26 नवंबर से लापता हुआ MiG-29 के विमान का कुछ मलबा अरब सागर के गोवा तट पर मिला है, जबकि लापता पायलट कमांडर निशांत सिंह और जहाज की तलाश जारी है। नौसेना के 9 जंगी जहाज और 14 विमान तलाशी अभियान में जुटे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र ने डोईवाला में सूर्य आधार झील का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि झील के पास वाले करीब 20 गांवों की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। इसके अलावा ये आने वाले दिनों में बड़े पर्यटन और जल क्रीडा का केंद्र बनेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार पर विदर्भ को लेकर आरोप लगाया है। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे सरकार विदर्भ विरोधी है, वे यहां के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसी के चलते इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे पर हैं। वो आज दोपहर तक भोपाल में रहेंगे। इसके बाद देवास में संघ के प्रचारक के परिवार के शादी समारोह में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने अमेरिका में चुनाव में गड़बड़ी संबंधी डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जानकारी के स्रोत हैं कि वहां बहुत धांधली हुई है। उन्होंने ब्राजील की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को लेकर भी संदेह जताया। विदेश सचिव जयशंकर ने सेशेल्स के अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई समझौते किए हैं। जयशंकर ने पहला समझौता कोरोना को लेकर किया है। इसके बाद सेशेल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा से सटी अग्रिम चौकियों और गांव पर गोलीबारी की है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूपी के धर्मांतरण कानून के तहत लखनऊ और बरेली पुलिस ने कार्रवाई की है। धर्मांतरण प्रतिरोध कानून के तहत बरेली में टीकराम ने उबैस अहमद पर पहला केस दर्ज कराया है, जबकि लखनऊ पुलिस ने दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लफ्जियात पर अध्यादेश आशंकाओं से भरा है। जबरन और छल से धर्मांतरण को ना तो मान्यता और ना ही स्वीकारता है। इस अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक विधायक को पार्टी से निकाल दिया है। पटनायक ने गोपालपुर से विधायक प्रदीप पाणिग्रही पर जनविरोधी गतिविधियों के आरोपों को लेकर कार्रवाई की है। पूर्वी इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फट गया जिसकी राख आसमान में 4000 मीटर ऊंचाई तक उठी। सरकार ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ये ज्वालामुखी ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में फटा। ज्वालामुखी फटने के बाद स्थानीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय अमेरिका का नाम शामिल हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने नीरा टंडन को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट निदेशक के रूप में नामित करने की योजना बनाई है। लद्दाख ने अपनी पहली पर्यटन प्रोत्साहन नीति तैयार की है, जिसका मकसद केंद्र शासित राज्य के सभी हिस्सों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। पर्यटन विभाग के सचिव ने कहा कि नई नीति के तहत बड़े होटलों की जगह छोटी पर्यटन संपत्तियों को बढ़ावा देने की योजना है। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव में भारी मतदान दिखाता है कि लोगों ने वंशवादी शासन की अवधारणा को खारिज कर दिया है। जितेंद्र सिंह ने दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ये बातें कहीं।
जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में शामिल नेताओं ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक हो चुकी है, लोगों ने ऐसे नेताओं को नकार दिया है। इस बार उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इस बार शीतलहर ज्यादा समय तक चल सकती है। दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसमें कथित तौर पर शामिल 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने उनके चंगुल से 4 साल की एक बच्ची को मुक्त कराया है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल होंगी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बाद में पार्टी छोड़ दी थी। शिवसेना ने राज्यपाल के पास उर्मिला का नाम विधान परिषद में नामित करने के लिए भेजा है। आज उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल पूर्णिमा पर रोमांचक दृश्य दिखाएगी। भारत में इस बार ये खगोली घटना नहीं देखी जा सकेगी, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन में लगेगा। ये दोपहर लगभग 1 बजे शुरू होकर शाम 5:25 पर समाप्त होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 389 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 338 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 में 6 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 1 गेंद शेष रहते ही मुकाबला जीत लिया। BCCI ने घरेलू क्रिकेट का आयोजन करने के लिए सीमित मुकाबलों के सत्र को लेकर राज्य संघों की सलाह मांगी है। घरेलू सत्र के आयोजन के लिए BCCI ने दिसंबर से मार्च के बीच देश भर में 6 जैविक रूप से सुरक्षित स्थल तैयार करने की योजना बनाई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।